आज पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र में पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के स्वास्थ्य जांच हेतु मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने जिला पुलिस कुरुक्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र में मेडिकल चेकअप कैंप लगवाया। ये जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने पुलिस कर्मचारियों पर प्रतिदिन बढ़ रहे दबाव को देखते हुए कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र में वर्धा अस्पताल सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र के सौजन्य से एक मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन करवाया है, जिसमें कर्मचारियों के लिपिड प्रोफाइल, क्रिएटिनिन, HbA1c, HbA1c ब्लड शुगर, ECG व कैल्शियम डेंसिटी टेस्ट करवाए गए, ताकि समय रहते पुलिस के जवानों में पनप रही बीमारी के बारे में पता लगाया जा सके और उनका समय पर इलाज करवाया जा सके। पुलिस अधीक्षक ने वर्धा अस्पताल के MD जय सिंह से संपर्क किया तथा उनके अस्पताल से प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम भेजकर पुलिस कर्मियों के मेडिकल चेकअप के लिए समय लिया था। आज पुलिस लाइन में स्वास्थ्य जांच टीम, जिसमें डॉक्टर सुनील MD, डॉक्टर अंशुल मंगला छाती रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर जसप्रीत कौर, नर्सिंग सिस्टर सुमन सैनी, नरेंद्र लैब टेक्नीशियन गुरमेल कौर, मार्केटिंग हेड अशोक कुमार वे विशाल, संजीव कुमार महेश वे पुलिस विभाग के फार्मासिस्ट रविकांत, प्रमोद कुमार, गुरबख्श सिंह, जसविंदर वे गुरमीत ने जिला पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की। इस कैंप के दौरान जिला पुलिस के करीब 90 अधिकारियों कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप किया गया। इस कैंप में सिप्ला कंपनी के MR देवेंद्र वे अविनाश साहू ब्रीथ फ्री एक्सपर्ट ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के फेफड़ों की जांच की। बता दें 8 मई को मदर डे के उपलक्ष्य में वर्धा अस्पताल सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र की टीम द्वारा पुलिस विभाग में तैनात सभी महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने कैंप में आए हुए डॉक्टरों की टीम को मिट्टी की बने बोतलें देकर उनका आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्लास्टिक की बनी बोतल प्रयोग करने से धीरे धीरे प्लास्टिक का अंश मानव शरीर में प्रवेश करता रहता है, जिसका बाद में शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और मनुष्य किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए आमजन को संदेश देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने अपील की कि आप सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। बधाई देना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी वर्धा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को और डॉक्टर अंशुल मंगला को, क्योंकि आज वर्ल्ड एस्थमा डे है और दोनों ने मिलकर बड़ा अच्छा एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया पुलिस कर्मियों के लिए, जिसमें उनका रेस्पिरेटरी स्क्रीनिंग किया गया, स्पायरोमेट्री टेस्ट किए गए और साथ ही काफ़ी ज़्यादा ब्लड टेस्ट भी किए गए, जिसमें शुगर, हाइपरटेंशन और जो किडनी डिजीज है उनके बारे में डायग्नोसिस बनेगा। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, स्वस्थ रहने के साथ आज पुलिस को भी बधाई देना चाहती हूँ कि पुलिस ने पर्यावरण को संदेश दिया है, जैसे कि ये मटके की बॉटल्स हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की है और शेयर की है एज ए टोकन ऑफ रिगार्ड जितने भी डॉक्टर्स की टीम थी, क्योंकि रिसेंट रिसर्च से पता लगा है कि प्लास्टिक की बॉटल ना केवल पर्यावरण को नुकसान करती है पर माइक्रो प्लास्टिक्स ब्लड में आ जाते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है। तो आज का ये दिन बड़ा ही शुभ है और इस दिन हम मैसेज दे रहे हैं इसको डायग्नोज कर रहे हैं कि किसी को पुरानी बीमारी ना हो और ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे आने वाले समय में। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।